परीलोक में होने जा रही है महाभस्म परी की एंट्री, और वो भी धमाकेदार एंट्री, धमाकेदार गेटअप के साथ। क्या कहेंगे महाभस्म परी? हाँ, गेटअप तो काफ़ी धमाकेदार है और काफ़ी वजनदार है, क्योंकि 15 किलो का मेरा ड्रेस है और 7 किलो का मेरा जो हाथ में पकड़ के वॉन्ड पकड़ के आती है वो है। सो काफ़ी वजनदार एंट्री है मेरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर लग रहा है, मतलब क्या करने वाली है, भस्म करेगी, किसे भस्म करने वाली है? वो खुद भस्म से बनी हुई है, मतलब वो राख विभूति जो होती है उससे वो जो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, वो भस्म कर भस्म से ही बनती है। सो इसलिए उनका नाम महाभस्म परी है एंड दे हैव गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग लुक जो बाकी उनकी परियों के लुक बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी हो सकता है। एंड सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो आई एम डूइंग इट। अच्छा, आपने गेटअप किया, कितने केजी का है? हमने सुना काफ़ी भारी है। बोल तो रही हूँ 15 किलो का है यार, पूरा का पूरा मिला के, और 7 किलो का वो वॉन्ड, सारा कुछ लेके जब खड़ी हो जाती हो ना तो महाभस्म परी फिर हिल नहीं सकती, वैसे ही खड़ी रहती है और ऐसे ही डायलॉग बोल रही होती है, क्योंकि वो हिलेगी तो गिर जाएगी, इतना भारी है। और अगर 2 बार घूम जाऊँ मैं चलने का, तो मैं 2 कदम से ज़्यादा चल ही नहीं सकती, तो मैं एक जगह खड़ी होकर सारा सब कुछ एक जगह खड़े होकर करते हैं। अच्छा, तो भस्म कैसे करती, मतलब कुछ स्टाइल है क्या है? वो कुछ स्टाइल नहीं है, वो जो एक भारी सा वॉन है ना उसको ट्विंग करते हुए ऐसे, और वो सामने वाला भस्म हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपका जो क्राउन है सबका आगे होता है, ऊपर होता है, लेकिन आपका पीछे है, इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है कि ये पीछे है। ये देखिए, ये पीछे मेरा क्राउन है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर, जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा हाँ, ये आगे भी पहन सकते हैं। इन्होंने ऐसा बनाया कि अगर मैं चाहूँ तो आगे पहन सकती हूँ, मैं चाहूँ तो पीछे पहन सकती हूँ, मुझ पे छोड़ा था। लेकिन जब मैंने ये पहना तो मैंने कहा आगे तो हर कोई पहनते हैं, पीछे ही पहनते हैं। उन्होंने वैसे पीछे के लिए बना रखा था अच्छा खासा, और सबने जब देखा, क्रिएटिव्स ने देखा, सबने देखा, तो दे लाइक्ड पीछे वाला लुक, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दिस पीछे वाला लुक। इनफैक्ट इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक एनी अदर परी दैट यू सी एनीवेयर, दिस इज़ लाइक एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो कितना इंटरेस्टिंग लगा ये कैरेक्टर करके, मतलब अभी आप कर रहे हो, इसके पहले भी आपने मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर ही से हमेशा किए हुए हैं, तो ये जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, तो क्या लगता है ऑडियंस कितना है, कैसे एक्सेप्ट करने वाली है ये चीज़? ये मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी सिंपल नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे। ये तो लुक्स देना और इतने भारी कपड़ों में, अभी आपने देखा होगा मैं उड़ रही थी, ऊपर जाओ नीचे जाओ, अब वो पोस्ट में कैसे उड़ाएंगे उनको पता है, लेकिन मैं अभी बस ऐसे ऐसे उड़ रही हूँ, ऐसे ऐसे करके तो उड़ रही हूँ, मज़ा आ रहा है। तो ये डेफिनेटली बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। वो कहते हैं आपके बड़े बड़े पंख हैं, आप ऐसे ऐसे करो, तो मैं कहती हूँ अच्छा कितने बड़े पंख हैं, कहते हैं बड़े बड़े पंख हैं, ऐसे ऐसे करो, हिलो, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, तो मैं पंख भी हिलाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर दूसरी ये बात है कि आपके साथ कोई कैरेक्टर नहीं रहता, आप पूरी अकेले परी लोग में अकेले लोगों से लड़ रहे होते हो, लोगों से बात कर रहे हो। काफ़ी खुश है श्वेता, काफ़ी खुश नज़र आ रही है हमको ये कैरेक्टर से, मतलब फेवरेट कैरेक्टर हो जाएगा श्वेता का भी। आप पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है, अभी तो दूसरा दिन है, अभी तक तो मैं सिर्फ कॉस्ट्यूम से थोड़ी यूज टू होने की कोशिश कर रही हूँ, लेट्स सी, अब पता नहीं है। सी, एक्टर्स का कैरेक्टर इन्जॉय करना तभी बनता है जब सामने ऑडियंस कैरेक्टर इन्जॉय करती है, देन यू फील लाइक पुटिंग लिटिल मोर इन इट, यू नो, जब आपको पता चलता है कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है, अभी तो मैं समझ ही नहीं पाई हूँ महाभस्म परी है शो को, धीरे धीरे, अब सेकेंड डे है, धीरे धीरे पता चलेगा, लेट्स सी। चलिए, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपको ऑडियंस जरूर पसंद करेगी। कैमरामैन कवल के साथ नूपुर मौची फॉर टैली मसाला।